नमस्ते दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने फोटो वीडियो और डेटा को 1000 साल तक सुरक्षित रखना तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आपको बताऊंगा कि कैसे अपने डेटा को लाइफ टाइम आप सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों पूरे वीडियो को देखिए लास्ट तक, आपको पक्का फायदा होगा। कहीं स्किप मत करिए, स्किप कर देंगे तो आप सीख नहीं। उसके पहले बता दो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में क्लिक कर दिए। ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों तो मैं बता दूं आपको कि डेटा हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे मेमोरीज के लिए होते हैं। जैसे हमारे शादी की कुछ वीडियोज हो गए, या हमारे घर के किसी मेंबर के शादी के वीडियो हो गए, फोटोज हो गए, बर्थडे पार्टी से फोटो हो जाएंगे, हम चाहते हैं कि हमेशा पड़ा हमारे पास में। क्योंकि अब जमाना बदल चुका है कि अब एल्बम के अंदर ला के फोटो क्लिक करके लोग देखते नहीं हैं, अब कंप्यूटर के अंदर सीडी या डीवीडी लगाते हैं, वहां पर अपने डेटा को देख लेते हैं और उनकी मेमोरी ताजा हो जा सकती है। तो आपके साथ भी अगर होता है कि आपका डेटा डिलीट हो जाता है, आपका डेटा गायब हो जाता है, तो आप बहुत पछताते होंगे। तो आपको इस वीडियो बता दूंगा कि 1000 साल मतलब आने वाली बहुत सारी पीढ़ी आपकी उस डेटा को देख सकेगी और मेमोरी को रिकॉल कर दे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब कंप्यूटर शुरू शुरू में आया था, उसके पहले उस समय आया हुआ था फ्लॉपी ड्राइव, जिसकी कैपेसिटी हुआ करती थी 1.44 MB। याद है, देखिए फ्लॉपी ड्राइव है ये, और इसको जब कंप्यूटर यूज करते हैं आपको याद होता होगा, ये कहीं गिर जाता था उसके बाद इसका डेटा करप्ट हो जाता, हमेशा रिस्क रहता था कि आपका डेटा जो है करप्ट हो जाएगा। तो जमाना बदलता चला गया, अब तो 4K तक जो है आपको वीडियोज मिल जाएंगे, फोटोज मिल जाएंगे, तो आपको कैपेसिटी मतलब पावर ज्यादा चाहिए जिसमें ज्यादा ज्यादा स्टोरेज हो गए। फिर फ्लॉपी के बाद आया ये सीडी, सीडी के अंदर हम जो है डेटा स्टोर करने स्टार्ट करें, इसकी कैपेसिटी हो गई जो है 700 MB की, और इसमें भी रिस्क हुआ करता था कि कहीं स्क्रैच आने बाद में डेटा चला जाता तो हम कॉपी करके रख देते अलमारी के अंदर, उसके खोलते थे पता चला कि डेटा हमारा गायब हो चुका। दोस्तों कभी सीडी रीड नहीं कर, बहुत सारा कारण होता चला गया। फिर बात आ गई डीवीडी की, तो ये डीवीडी हमारे पास में आ गया था, फिर डीवीडी की कैपेसिटी हो गई लगभग 4.7 GB की सिंगल लेयर की, और डबल लेयर की 8.4 GB की। तो उसके अंदर डेटा तो सेव हुआ करता था, ज्यादा स्टोरेज मिलता था, लेकिन इसमें अगर स्क्रैच आने के बाद में डेटा करप्ट हो जाता था। दोस्तों तो पहला चीज ये हो चुका है। फिर हमारे बारे बीच में आए पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव के अंदर पहले 2 GB, फिर उसके बाद जो है 4 GB, 8 GB, अब तो नॉर्मल हो चुका है 16 GB, 32 GB, मतलब 32 GB, 64 GB लोग ले रहे हैं और अपने डेटा राइड कर रहे हैं। इसको कहते हैं फ्लैश मेमोरी, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। फिर बात आती है कंप्यूटर की नॉर्मल हार्ड डिस्क, ये देख लीजिए, इसके अंदर भी 5 GB, 1 TB डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन बहुत ड्यूरेबल नहीं होता, कभी प्रॉब्लम आता है तो सारे डेटा आपके चले जाते हैं। तो एक सर्वे हुआ है मतलब ऑल ऑफ इंडिया बेस के ऊपर, बताया इसमें ये गया है कि आप अगर फ्लैश ड्राइव के अंदर डेटा रखते हैं तो उसकी जो डेटा की जो मतलब ऑथेंटिसिटी, मतलब कितने साल तक डेटा रहता है, तो सर्वे कहता है कि इसमें 8 साल तक डेटा आपका सुरक्षित रह सकता है, और 8 साल के बाद जो अगर इसको लगाएंगे आप, तो आप हो सके डेटा अपना मिस कर दे, अपना डेटा खो दे। दोस्तों तो जान लीजिए सर्वे के मुताबिक मतलब 8 साल तक फ्लैश मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर हो सकता है। सेकंड में बात करता हूं मैं डीवीडी ड्राइव के अंदर, जब इसकी बात होती है तो सर्वे कहते हैं कि इसके अंदर 7 साल तक आप डेटा सुरक्षित रह सकते हैं, 7 साल बाद इसमें डेटा ऑटोमेटिक गायब हो जाता है या तो डेटा खो जाता है। फिर बात आती है ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क की, जो ये हार्ड डिस्क मेरे हाथ में है, इसमें लोग कहते हैं सर्वे के अनुसार कि 5 साल तक डेटा इसमें आपको सुरक्षित रहता है आमतौर पर, और उसके बाद डेटा इसमें भी जो है डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है या रीड नहीं कर पाता। दोस्तों तो मैंने बता दिया आपको कि इन 3 चीजों के अंदर, तो अगर आप भी डेटा इन सारी चीजों के अंदर रख के अपने अलमारी पैक किए हुए हैं तो आप रिस्क के दायरे के अंदर है। तो आप मेरी बातों को सुनिए ध्यान से और वीडियो को पूरा देखिए अंतिम तक। दोस्तों तो बताऊंगा आपको कि कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बता दूं आपको मैं, आपने जरूर नाम सुना होगा एम डिस्क का, जो आज के डेट प्रचलित है और बहुत ही फेमस हो रहा है, क्योंकि अब 4K वीडियोज आ चुके हैं। अगर एक अब बड़े शादी पार्टीज के अंदर जो है कैमरामैन बुलाते हैं मतलब, तो वो क्या करते हैं, जो आपको वीडियो देते हैं आज के डेट में 4K के अंदर देते हैं, कि 4K के अंदर क्वालिटी बहुत सुपर आ चुका है, चाहे फोटो हो जो वो भी 4K के अंदर लेते हैं, उसमें खोलते हैं तो एम डिस्क आ चुका है, इसको ब्लू रेड डिस्क भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, ब्लू रेड डिस्क के अंदर आपको डेटा देते हैं, जब उसमें आप डेटा रखेंगे तो लगभग 1000 साल तक, क्या लाइफ टाइम तक आपका डेटा उसमें सुरक्षित रहेगा। दोस्तों बात करूं तो डीवीडी और सीडी के मुकाबले ब्लू रेड डिस्क महंगा आता है। नॉर्मली ब्लू रेड डिस्क जो स्टार्ट होता है 4.7 GB से शुरू होता है सिंगल लेयर का, तो उसके बाद 25 GB, फिर उसके बाद जो है 50 GB और 120 GB तक आपको जो है ब्लू रेड डिस्क के अंदर मिल जाएंगे, और इसको आप खरीद के इसमें आप डेटा राइड करवा करके रख सकते हैं। तो मैं बता, पूरा सर्वे करने के बाद मैं लेकर आया आपके लोग के लिए कि एम डिस्क या ब्लू रेड डिस्क जो बहुत प्रचलित है और दिन प्रतिदिन इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन एक बात और बता दूं आपको मैं, अगर आप ब्लू रेड डिस्क लेते हैं तो आपके पास ब्लू रे रीडर होना चाहिए, ब्लू रेड ड्राइव होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप जो राइट कर सकते हैं या तो उसके रीड कर सकते तभी कर सकते, क्योंकि नॉर्मल डीवीडी प्लेयर के अंदर जो है ये ब्लू रे डिस्क काम नहीं करते हैं। तो कुछ कंपनियां जैसे सोनी कंपनी बनाती है ब्लू रे डिस्क, और वर्बटाइम कंपनी है, VERBATIM वर्बटाइम कंपनी है, उसमें आप ले सकते हैं। अलग अलग पैक आते हैं, 4 के पैक आएंगे, और उसके बाद तो मतलब 4.7 GB के, फिर 25 GB के, फिर 50 GB, 100 GB, इसको लेकर डेटा राइट करवा के रख लेंगे तो आपका डेटा जो है लगभग 1000 साल
या लाइफ टाइम सुरक्षित रहेगा। दोस्तों वीडियो बनाकर मैं चाहता हूँ आप सब लोग को अपडेट कर दूँ, क्योंकि कोई भी नया अपडेट मालूम पड़ता हम लोगों को, तो हम चाहते हैं कि वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए के लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, और हाँ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर होंगे इनको आइडिया नहीं उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पाएंगे और उनको फायदा करेगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।